अगली खबर आ रही है सतना से, जहां बहुचर्चित रामनगर गोलीकांड के 48 दोषियों को जेल भेजने के 24 घंटे के अंदर ही पंचायत राज्य मंत्री और अमरपाटन रामनगर विधायक राम खेलावन पटेल केंद्रीय जेल के निरीक्षण पर जा पहुंचे। यहां उन्होंने रामनगर कांड के बंदियों से मुलाकात की। मंत्री इसी मामले के बंदी व भाजपा नेता से मिलने जिला अस्पताल भी पहुंचे। मंत्री ने अपने जेल दौरे को सामान्य निरीक्षण बताया, लेकिन विपक्षी इसे जेल मैनुअल का उल्लंघन और पद का दुरुपयोग करार दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि निरीक्षण से साफ है कि भाजपा गुनाहगारों के साथ है। गुरुवार सुबह प्रदेश के मंत्री राम खेलावन पटेल लाव लस्कर के साथ बंदियों से मिलने केंद्रीय जेल सतना पहुंच गए। उनके साथ रामनगर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम सुशील पटेल व कई अन्य समर्थक भी थे। काफी देर तक जेल के अंदर रहे राज्य मंत्री पटेल जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने इस दौरे को जेल का सामान्य निरीक्षण बता दिया। राज्य मंत्री का कहना था कि वे भी 15.5 महीने जेल में रहे हैं, इसलिए वे निरीक्षण करने जेल आ जाते हैं। हालांकि इससे पहले वे एक ही बार आए थे, इस बार भी उन्होंने कलेक्टर एवं जेल अधीक्षक को जानकारी दी और निरीक्षण करने आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री जेल से निकले तो सीधे जिला अस्पताल जा पहुंचे, जहां सजायाफ्ता भाजपा नेता अरुण द्विवेदी स्वास्थ्य लाभ लेने भर्ती हैं। भाजपा नेता अरुण द्विवेदी को रामनगर कांड का मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसे भी 7 साल सश्रम कारावास सजा सुनाई गई थी। उसे अन्य बंदियों के साथ जेल में होना था, लेकिन बीमार होने पर वह अस्पताल में भर्ती हो गए। मंत्री ने द्विवेदी से मुलाकात की, उसके पास बैठकर चर्चा की और फिर वहां से निकल गए। मंत्री जब जेल पहुंचे तो अपने साथ बोरियों और कार्टूनों में सामान भी ले गए थे। उसे जेल कैंटीन के दरवाजे के बाहर रखवा दिया। निरीक्षण पर मंत्री का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर को सूचना दी थी, जबकि कलेक्टर का कहना है कि सूचना को अनुमति नहीं माना जाता। सूचना फोन कर दी गई, लेकिन अनुमति नहीं ली गई। उधर जेल अधीक्षक लीना कोष्टा का कहना है कि मंत्री को अधिकार है, उन्होंने निरीक्षण किया और यहाँ लाइब्रेरी तथा प्रतीक्षालय बनवाने का आश्वासन भी दिया है। इस मामले में सतना केंद्रीय जेल के अधीक्षक रह चुके गोपाल ताम्रकार का कहना है कि जेल मैनुअल के अनुसार मौखिक सूचना पर राज्य मंत्री जेल का औचक निरीक्षण नहीं कर सकते। यह अधिकार सिर्फ उस क्षेत्र के सांसद अथवा विधायक को है जिसके क्षेत्र में जेल स्थित है। बाकी लोगों को कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। मंत्री जी आए थे, उन्होंने पूरी जेल का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं से संतुष्टि जाहिर की और उन्होंने बंदियों के लिए पुस्तकालय के लिए आश्वासन दिया है कि पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा तो और साथ में प्रतीक्षालय का। जो यहाँ से सामान गए हैं किनके थे? वो बंदियों के परिजनों के सामान है। क्या मंत्री जी ने उनसे ही मुलाकात की जो कल बंदी आए हुए हैं? नहीं, उनसे मुलाकात।